वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे गोल्डन पट्टी किस तरह एडहेसिव से लगाई जाती है। दोस्तों जैसे हमारे फ्रंट के डोर हो गए, क्या एलसीडी पैनल हो गया, ऑफिस के अंदर ज़्यादातर से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। दोस्तों ये दो तीन कलर में आती है, कॉपर में आती है, स्टील में आती है और गोल्डन में, तो ये मैंने पकड़ी हुई है। दोस्तों कई कारपेंटर भाई क्या करते हैं, जिस जो से एडहेसिव हम इस्तेमाल मैके में करते हैं उसी एडहेसिव से लगा देते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, 5 से 6 महीने में वो उखड़ जाती है। दोस्तों जो सा मैं इसके अंदर एडहेसिव बताऊंगा, यानी कि सालों तक ये चलेगा, बेशक आप बाहर लगाओ बेशक अंदर इससे प्रेस लगाओ गोल्डन पत्ती, यानी कि आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। दोस्तों जो सा वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास ये 25 mm की ये पत्ती है गोल्डन, तो इसको निशान किस तरीके से लगाने, ये मैंने पहले निशान लगा लिए हैं क्योंकि मैं कहा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके की 25 mm की एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे वुड की, जोन से ये मैंने निशान लगाया है। ये मैंने 12 इंची इधर लिया है, फिर इसका मैंने 12 इंची के बाद सेंटर कर लिया। जैसे ये मेरी 25 mm के 1 इंची के करीब है, तो आधी इंची मैंने इससे इधर लगाया, आधी इंची इधर लगाया, तो इसी तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो ये वाला जो सा पोर्शन मैंने लिया है, इसके मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं। ये मेरा 22.5 इंची था, तो मैंने इसके 3 हिस्से बराबर के एक जैसे कर लिए हैं, सूत कम 7 के हो गए, ठीक है। अब जब हम इसको निशान लगाएंगे तो ये वाला निशान हमने क्या करना है, जैसे ये वाला निशान हम इसी के साथ मिला देंगे, ये देखना है, जैसे मिला दिया मैंने और निशान खींच लेने, यानी कि जो भी हमारा बीच का जो सा फर्मा तैयार होगा बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि वो वाला निशान इधर को भाग गया, ये वाला निशान इधर को भाग गया। अगर ये हमारा बचेगा 5.25 इंची के करीब, तो ये वाला पोर्शन भी 5.25 इंची के करीब है, यानी कि यूनिवर्सल हो जाएगा। बेशक हम इसको घुमा के इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यानी कि निशान लगाने का एक अच्छा तरीका है, इस तरीके से हम लोग निशान लगाएंगे। दोस्तों स्ट्रिप लगाने से पहले एक बार मैं आपको इसका साइज भी और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब हमने सेंटर का निशान लगाना है, ये क्या करना है, हमने स्ट्रिप को ऐसे रख लेना सेंटर में, सेंटर में करके तो हमने बीच में ऐसे निशान लगा लेना है और एक ऐसे निशान लगा लेना, क्योंकि ये हमारी 25 mm की है, तो 12 mm हमने इधर लगा लेना, तो 12 mm में इधर लगा के ये हम पट्टी रख लेंगे सीधे, तो इसके साथ हम खींच देंगे, ऐसे आपने निशान लगाना। और देख तो ये देखो बिल्कुल यूनिवर्सल इसका कैसे बना, जितना पॉइंट उधर छोटा उतना इधर छोटा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका सही काम का नतीजा कितना अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इधर 5.25 इंची के करीब छोटा है, ये भी हमारा 5.25 इंची आया है, और बीच के जो उनसे पीस आए हैं सारे हमारे एक जैसे आए हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रिप लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 नंबर की कीले मार लेंगे इनके अंदर। दोस्तों कीलों से क्या होगी, हमारी जो सी पत्ती है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो इस तरीके से निशान लगा दिया, तो हम क्या करेंगे इसकी मदद से इसको ऐसे कर लेंगे। और आपने ग्लव्स जरूर डाल लेने, क्योंकि कई बार क्या होता है ये पत्ती निकल जाती है, हाथ में एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो हमने क्या करना है, ये ऐसे करके स्ट्रिप लगा लेनी है और जितनी डिग्री पर काटना है उस हिसाब से करना है, क्योंकि ये हमारी गर्म भी हो जाती है। इस तरीके से करना है, इसमें ग्लव्स आपने डाल लेने। दोस्तों बेशक काम कम हो जाए पर सेफ्टी का ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, जान है तो जान है। जब इधर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इधर की तरफ भी ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे। दोस्तों अगर ये आपको ट्रायंगल वाला टूल चाहिए तो MBS ग्लोबल कंपनी का है ये, तो वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं सामने नंबर भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा उनका। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन पॉइंट क्या है। दोस्तों ये वाला पीस मैंने यहाँ का काटा था, कि शुरू में भी मैंने बताया था यूनिवर्सल काम कैसे होता है, ये हमारे प्रॉपर तरीके से निशान लगे हों या सीधी धार बिल्कुल हो तो बिल्कुल जीरो, और ये वाला पीस उठा के बेशक मैं यहाँ रख दूँ तो बिल्कुल 0-0 आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल 0-0 आ रहा है, बेशक मैं इसको इधर रख दूँ। तो इससे क्या होता है, अगर आप सही ढंग से काम करोगे तो उसमें क्या होता है, काम की प्रोग्रेस भी बड़ी तेज़ निकलती है, यानी कि वो कल को कोई इसमें सोफे वाला कुल्टिंग भी फिट करेगा ना,
तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी, वो बाद में भी आपकी तारीफ करेगा कौन से कारीगर ने किया, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आमतौर पर पीसों पर निशान लगाना पड़ता है, निशान तो इस पर भी लगाना पड़ेगा, पर जब बिल्कुल जीरो जीरो आएगा उसको दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं होगा प्लाई डेढ़ सूद कम है या ज़्यादा बढ़िया, ऐसा नहीं होगा, माल एक जैसा कट जाएगा आपका। अब हम सब सारे पीस इसी तरीके से काट लेंगे। दोस्तों एडहेसिव के बारे में मैंने आपको बोला था, ये पॉलीफिक्स वाला का गिलू आता है, गिलू जेल आता है, ये देखो पीवीसी गिलू जेल। दोस्तों इतना बढ़िया है, यानी कि मल्टीपर्पज़ है, यानी कि वुड के लिए, मैके के लिए, मेटल के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे अगर और जल्दी आप फास्ट काम चाहते हो तो एक्टिवेटर आता है, ये इनका स्प्रे एक्टिवेटर है, तो अगर आप इसको लगाओगे इसके बाद इसमें स्प्रे करोगे वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे है इसका। इसके साथ इन्होंने एक छोटी सी ये दी होती है, नोजल दी होती है, इसकी मदद से क्या होता है कि पूरा अच्छी तरीके से हमारा ये इस्तेमाल हो जाता है। ये डीओ की तरह है, यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वेस्टेज नहीं जाता हमारा। देखिए मैं आपको इस्तेमाल कर, हमने क्या करना सबसे पहले इस जगह लगा लेनी है, ये बिल्कुल सेंटर में लगाना है आपने, ये देखना कि पत्ती के ऊपर ना लगे, ये देखना इस तरीके से आपने करके लगाना है। ये आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो, अगर फास्ट काम चाहते हो तो आपने क्या करना है हमने ये मार देंगे, इसके मारने से बाद आपने ये करना है बिल्कुल एक्यूरेसी से रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है, ये ऐसा केमिकल है। ये हो गया, और अपने इधर भी कील लगाई थी, ये हो गया थे, और आपने क्या करना है सीधी धार की पट्टी वगैरह कोई भी ले लेनी जिससे ये प्रेस हो जाएगा। इतने में ये प्रेस हो गया होगा, तो हल्का हल्का हम क्या करेंगे, दोस्तों कोई स्प्रे वगैरह का दाग नहीं आता है। देखो इतनी देर में ये सेट भी हो गया। आमतौर पर जिनसे मैंने कारपेंटर जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं वो क्या करेंगे, और एडहेसिव लगा के ना यहाँ कीले मारेंगे। मैं कहा तुम कीले किस लिए मार रहे हो, कहते हैं हम क्या करते हैं एक एक सूत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। मैं कहा ये तो क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कोई भी कील वगैरह मारूंगा ना इधर से तो इसके अंदर क्या है इसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी, ऐसे ढबकर नजर आएगी, तो वो प्रोसीजर गलत है, ये सबसे बढ़िया है। तो सभी को इसी तरीके से हम लगाएंगे। दोस्तों आपको कारपेंटर भाइयों को ये परचेज कहाँ करना है, तो अमेजोन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कंपनी का जोन सा कस्टमर केयर नंबर है, दोनों लैंडलाइन और कस्टमर केयर नंबर सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, तो आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने बिजनेस वगैरह या दुकान के लिए भी करना है बल्क में लेना तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ये हमारा पूरा फाइनल हो चुका है। ये देखिए इसका फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त आई है। जैसे मैंने शुरू में ये वीडियो में भी बताया था कि हमारा यूनिवर्सल कैसे होता है, जैसे ये हमने एक फर्मा काट रखा है, ये देखिए इस तरीके से भी पूरा पूरा इसका सहज आ रहा है। अगर मैं ऐसे करके रख दूँगा तो भी इसका पूरा पूरा सहज आ रहा है। और देखिए आप जहाँ मर्जी लगा के देख लीजिए, इधर भी बिल्कुल पूरा सहज है इसका। ये देखिए 19-20 का भी यानी कि फ़र्क नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये देखिए इधर इसको यहाँ मर्जी आप अप्लाई करके रख सकते हैं। ये देखिए इधर अगर नीचे की तरफ करें, नीचे भी बिल्कुल 0-0 आ रहा है इसका साइज। ये देखिए मैं आपको इससे पीवीसी टेप वगैरह लगा के दिखाता हूँ। ये देखना कितनी ज़बरदस्त इसकी पकड़ होगी, यानी कि जैसे मैंने शुरू में बोला था ये मल्टीपर्पज़ है। इसके ऊपर मैं एक्टिवेटर नहीं करूँगा, लगाऊँगा इसको, ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। एक्टिवेटर से क्या है, उससे जल्दी एकदम सूख जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। अब मैं इसको उखाड़ूंगा, या तो ये टेप फट जाएगा या तो नीचे की देखना प्लाई भी उखड़ेगी साथ में। वो तो सूख चुका है, आप देखते हैं। ये देखिए साथ में इसके प्लाई भी आ गई उखड़ के। ये हमारी साइड कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग आई है। दोस्तों वीडियो के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि गोल्डन पत्ती कौन से एडहेसिव से लगाई जाएगी, कहां से आपको परचेज करना है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।